मेरे, मैं इसका फैन नहीं हूं, ये जो इसके फैन है ना, ये जो इसके फैन है, ये जो मेरे घंटे के किंग के फैन है ना, ये सोनू पीली चप्पल टाइप के बेटा, ये उनके साथ इसने ये बताओ किया। मैं तो, मेरे तो पास भी खड़ा हो भाई, मेरे पास खुदा पाक की कसम, मेरे पास भी खड़ा हो ना, तो मैं बेटा इससे ज्यादा एटीट्यूड दिखाऊं इसे। वो मेरे छनकने में बजे आगे, मुझे परवाह नहीं है। यकीन, बाबर आजम साहब आपको पता है कि इंग्लैंड में पिल रहे हैं, आयरलैंड में पिले हैं, फिर न्यूजीलैंड में पिले हैं, आप चले यानी इंग्लैंड में गए हैं, कार्डिफ में, जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान का तीसरा टी20 मैच खेलेगा। बाबर आजम आ रहा था आज सुबह की ये बात है, बाबर आजम आया है और बाबर आजम के फैंस भी थे उधर। जब बाबर आजम के फैंस ने बाबर आजम की तरफ देखा है और वो पीछे जा रहे हैं, तो बाबर आजम ने जो अपने फैंस को बोला ना, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट साइड पे हो, साइड पे हो, मेरे पास नहीं आना, मेरे पास नहीं आ, मुझे उलझन हो रही है। ये तक बाबर आजम भाई मेरे पास, ये जो मेरे घंटे और मेरे छनकने का किंग है ना, और ये जो इसके फैंस हैं, ओ मेरे घंटे के फैंस बेटा, बाओ ना आपका, वो भी आपकी इज्जत नहीं करता। और इनके जो इसके जो फैंस है ना, 2 टके के फैंस, इन्होंने चढ़ा चढ़ा के इसको किंग बनाया हुआ है। बेटा किंग एक ही है, किंग अपनी परफॉर्मेंस से किंग नहीं बनते, अपनी परफॉर्मेंस और अपने हालात दोनों से किंग बनते हैं। वो बैटिंग में भी अच्छा और अच्छा इंसान भी, इस वजह से वो किंग है यार। अगर अल्लाह ने आपको इज्जत दी है ना छोटे छोटे बच्चों को, तो कुछ पता नहीं है कि आप लोग सिर्फ हारे हुए लोग हो, आप सिर्फ अपने पर्सनल रन बनाते हो, तो कम से कम यार बच्चों की तो दिल की बातें रख ले। वो तो ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि कमीने जब अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। बाबर आजम फैंस को जो गुस्सा कर रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं और फैंस को ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ना चढ़ो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और तुम दौड़ के मेरे ऊपर चढ़ रहे हो सेल्फीज के लिए। फिर जो गार्ड को बोलते हैं कि इनको उठा के बाहर फेंक दो, इनको यहां से साइड पे करो, ये बात। और उसके बाद वो लोगों को साइड पे करता है, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा से बाबर आजम उन लोगों को खड़े होकर जलील करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, मैं बात कर रहा हूं और तुम दौड़ दौड़ के मेरे ऊपर चढ़ रहे हो। तो यार ये लाहौर के और लंदन के एक ही तरह के लोग होते हैं, मैं बता दूं मैं आपको। यार शर्म आनी चाहिए नसीम, आपके बिहाफ पे वो पूछ रहा है, आपने अपना दिया बाबर का भी दिया, कह रहा हाँ बेटा वही बाबर के बिहाफ पे। जितना रश बाबर आजम के साथ सेल्फी वाले लोगों को दिखाया गया, इससे इसका 50 गुना ज्यादा फिल्म स्टार रंगीला को लोग देखने के लिए तरस रहे होते हैं। बहुत बड़ा एलिमेंट जो खुद कप्तान बाबर आजम या पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर को जहन में रखना है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो फैंस खड़े हैं ना, ये आपके लिए खड़े हैं। हम यहाँ पर ये टीम होटल मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं कल भी, क्योंकि हमारा होटल भी बिल्कुल साथ में है, तो मैं कल भी देख रहा हूँ यहाँ पे घंटों बैठे रहते हैं फैंस, जो क्रिकेट फैंस है ना वो घंटों यहाँ बैठे रहते हैं। वो इसलिए बैठे रहते हैं कि यार कोई क्रिकेटर आएगा, हम बाहर निकल के सेल्फी ले लेंगे। मेरे दाएं तरफ वो बैठने की स्पेस है, ये फैंस आपको आ रहे हैं नजर, ये यहाँ के आके बैठ जाएंगे और फिर आधा घंटा घंटा 2 घंटे जितनी देर भी लगी ये बेचारे यहाँ पे बैठे हैं, क्रिकेटर कोई बाहर निकलेगा तस्वीर ले लेंगे। उनके लिए जैकपॉट निकला कि बाबर आजम बाहर निकला, उन्हें लगा यार हम तो साई साम के साथ तस्वीर ले लेते हैं, हम या किसी और से लेते, बाबर आजम आए बाहर। वो एकदम एक्साइटेड होकर आए बाबर आजम के पास और बाबर आजम ने आप टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं कि उन्हें शायद थोड़ा रूड बिहेव किया। और मुझे बाबर आजम से इसलिए लग रहा है कि यार ये फैंस है ना, चूंकि हम इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये जितना प्यार पाकिस्तानी क्रिकेटर को करते हैं ना, ये बहुत कम देखा है। ये मैं पहले भी कल एक बात की थी कि इंडियन क्रिकेटर्स को जो फैंस उनको वेलकम करते हैं, पाकिस्तान वाले जो फैन करते हैं, दूसरा बांग्लादेश वाले जो फैन करते हैं, अदरवाइज दुनिया में कहीं ये वर्ल्ड चैंपियन टीम के अंदर हम बैठे हुए हैं, इंग्लैंड ना ही वर्ल्ड चैंपियन टी20 का, वो जीत के भी जाते हैं, कोई उनके साथ तस्वीर नहीं बना रहा होता। माजरत के साथ ड्यू रिस्पेक्ट, आप अगर बाबर के नाम के साथ किंग लगता है ना, तो उनकी परफॉर्मेंस के साथ वजह से नहीं लगता, ये फैंस ने उनके नाम के साथ किंग लगाया है। मैं हैरान होता हूं इस बंदे में, इतना हुरूर, अना, तकब्बर, हसद किस बात का है? कोई एशिया कप जीता है, कोई वर्ल्ड कप जीता है, कोई अपनी टीम को नंबर वन बनाया है, कुछ किया है इस बंदे ने? मतलब वो सरफराज देखो आप, 17 का चैंपियन ट्रॉफी उसने जितवाई है, टी20 में नंबर वन उसने लाया, ये सारे बाबर आजम के दोस्त यार को उसी ने बनाया अच्छा करेक्टर, बाद में ये दोस्ती यारियों पर लगे। वो सरफराज को देखो, इतना डाउन टू अर्थ और हम्बल है, और जब बाबर आजम को आप देखो यार, किंग जो होता है ना, ये फेक किंग बना हुआ है, कुछ पाकिस्तानी इसको किंग बोलते हैं भाई। किंग जो होता है वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं होता है, वो अपने बिहेवियर की वजह से भी होता है, वो अपनी हरकतों की वजह से भी होता है, वो अपने इखलाक की वजह से भी होता है। ये कौन सा किंग है भाई? और इसको यहां तक लाने वाले कौन लोग हैं? यही फैंस हैं। ये फैंस अगर चाहे ना, एक मिनट में थड़प करके तुम्हें जमीन पर गिरा सकते हैं। हमने बहुत सारी एग्जाम्पल्स इससे पहले देखी हैं कि बहुत सारे खिलाड़ियों के फैंस ने जब सर पे उठा के रखा हुआ था, और जब उन खिलाड़ियों ने कोई घटिया हरकत की ना, उन्हीं फैंस ने उन्हें थड़प करके जमीन पे गिरा दिया, और आज उन खिलाड़ियों का कहीं पर वजूद नजर नहीं आता है। आप इसको कंपेयर करते हो विराट कोहली के साथ, विराट कोहली मैच में थके होने के बावजूद, मैच के बाद कितना थका होता है क्रिकेटर, वो जाता है रिकवर करने, बट विराट कोहली जाके अशदीप, हरप्रीत बरार, इनकी फैमिलीज को मिल रहे हैं, प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, बहन भाई, भाई की बीवी, मतलब कितने फैमिली पूरी आई हुई थी, मैंने इतने क्लिप्स देखे हैं, और कितने तो क्लिप हमारे सामने से गुजरे नहीं है, वो हर एक को प्रॉपर मिल रहा पिक्चर बना रहा, और इतना डाउन टू अर्थ और हम्बल। और अब इस घंटे का किस्सा सुनोगे भाई, ये एक तो मुझे समझ नहीं आती कौन लोग हैं जो इन्हें हारने के बाद भी सपोर्ट करते हैं, हारी है टीम बस जा रही है, शाबाश 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 जी, ओ भाई किस बात का शाबा यार। दरअसल बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के लिए कार्डिफ पहुंचे। बाबर यहां एक चौराहे पर किसी का इंतजार कर रहे थे, तभी फैंस ने उन्हें पहचान लिया। देखते ही देखते फैंस की भीड़ वहां पर जमा हो गई। ऐसे में पाकिस्तानी कप्तान झल्ला गए और वो फैंस से बदतमीजी कर बैठे। इस दौरान उनके बॉडीगार्ड ने भी फैंस को धक्का मारकर उन्हें पीछे हटाया। जाहिर है बाबर आजम की हरकत पर फैंस काफी गुस्से में आ गए, काफी डिसअपॉइंट हो गए, और हो भी क्यों ना, आखिर इन्हीं फैंस की बदौलत तो ये पाकिस्तान के किंग कहलाए जाते हैं। लोग बाबर बाबर कहते थकते नहीं, और उनके ये पाक किंग हैं कि उन पर इस वक्त स्टारडम का नशा चढ़कर बोल रहा है। इंटरनेशनल प्लेयर है वो,
पाकिस्तान टीम का कप्तान है वो, और टीम 1.5 साल से हारती हुई आ रही है, कितना उसके दिमाग पर बोझ होगा। क्रिकेट के अलावा कोई और भी बात होती है, कुछ और भी इनके जज्बात होते हैं, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं होता, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, और दूसरी पाकिस्तान टीम इतना हार रही है, वो कितना परेशान होगा। अगर वो अपने सीनियर लोगों के साथ कोई जरूरी काम से जा रहा है या कोई जरूरी बात बोल रहा है तो वहां पे फैंस इकट्ठा होकर उसको परेशान कर रहे हैं कि बाबर भाई सेल्फी, बाबर भाई सेल्फी। ये पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को जिन फैंस ने सिर आंखों पर चढ़ाया, उन्हें पाक किंग का दर्जा दिया, अब वही पाक किंग अपने फैंस को कहते नजर आ रहे हैं कि सिर पर मत चढ़ो। अब इस पर क्या ही कह सकते, स्टारडम की खुमारी ही कुछ ऐसी होती है जनाब, ये सिर चढ़कर बोलती है, और ऐसे में भला कोई सुपरस्टार कैसे किसी को अपने सिर पर चढ़ा सकता है। हाँ, परफॉर्मेंस हो ना हो, लेकिन एटीट्यूड तो 1000% है जनाब में। तो बाबर ने बाकायदा उसी वीडियो क्लिप में नजर आया कि जाते वक्त बाबर आजम ने सबको खुश किया, सबके साथ सेल्फियां खिंचाई, सबको जो है कि टाइम दिया। लेकिन शुरू में जब बाबर आजम बाहर निकले, गाड़ी से बाहर निकले थे, फिर उसके साथ थे या इंग्लैंड क्रिकेट का स्टाफ था, जो सिक्योरिटी थी वो उसके साथ थी, उनके साथ कोई पर्सनल काम था, कोई जरूरी बात उनको बाबर आजम बोलने वाला था, तब फैंस जो है कि इकट्ठा हो गए। तो बाबर आजम गुस्से में, क्योंकि भी कोई लाइफ होती है, खिलाड़ियों की भी कोई जिंदगी होती है, उनकी भी कुछ विचार होते हैं हर बात। अभी रोहित शर्मा ने कहा था ना, स्टार स्पोर्ट्स वालों की धच्चियां रोहित शर्मा ने उड़ाई थी ना, कि स्टार स्पोर्ट्स वालों को चाहिए कि खिलाड़ियों की हर चीज हर बात के ऊपर कदम कदम पे ऊपर कैमरे फिक्स कर दो, आप लोग इतनी इतनी सी बात भी आप जो है कि दिखाओ, जनता को दिखाओ, लोगों को दिखाओ कि क्रिकेटर क्या करते हैं क्या नहीं करते। वही बात बाबर आजम के साथ हो गई ना, कि मीडिया वाले तो एहतियात नहीं करते कि एक खिलाड़ी है उसके क्या जज्बात है, वो क्या सोच रहा है, क्या वो चाह रहा है, हर बात कैमरे के ऊपर फिक्स हो रही है, हर बात कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बाबर आजम ने अपने फैंस पर सख्त गुस्से का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच खेला जाना था, जो कि बारिश की नज़र हो गया। पाकिस्तान टीम इन दिनों इंग्लैंड में सैर व तफरी कर रही है। बाबर आजम जब अपने होटल से निकले तो फैंस ने उन्हें घेर लिया, और कुछ फैंस ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उनके साथ सेल्फी बनाए और ऑटोग्राफ दे, लेकिन बाबर आजम शदीद गुस्से में आके उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए फैंस के साथ, और अपने बॉडीगार्ड से कहा कि सभी फैंस को यहां से दूर ले जाओ, मेरे से मैं इनसे मिलना नहीं चाहता, ना ही इनसे इनके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं, और ना ही ऑटोग्राफ इनको देना चाहता हूं। बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स में शामिल होते हैं, उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन बाबर आजम के इस रिएक्शन पर पूरी फैन फॉलोइंग बाबर आजम पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बाबर आजम ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, आपकी क्या राय है बाबर आजम के इस रवैये पर? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।